देयर इज नो एज फॉर लर्निंग। कहा जाता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती, यानी कि जीवन के किसी भी मोड़ पर हम कुछ भी सीख सकते हैं। यदि हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि माँ के गर्भ में स्थित शिशु भी सीखने का प्रयास करता है। तभी तो सुभद्रा के गर्भ में रहकर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी। जिसे सीखने की जिज्ञासा है वह प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घटना से कुछ न कुछ सीख लेता है। ज्ञान की न तो कोई सीमा है और न ही अंत। हमने कुछ भी सीखने की उम्र खुद ही तय कर रखी है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने अंदर की सीखने की इच्छा को मरने नहीं देते और उम्र के ऐसे पड़ाव में नई चीजें सीख जाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी जी का बचपन से संकल्प था कि उन्हें चित्रकारी सीखनी है, जो वो अभी तक विभिन्न समाज कल्याण की सेवाओं में व्यस्त होने के कारण नहीं कर पाई। तो क्यों नहीं इसकी अभी शुरुआत की जाए। अतः पिछले 4 वर्षों से उन्होंने शुरू से शुरुआत कर अनेक चित्र अपने हाथों से बनाए हैं और आज भी बना रहे हैं। उम्र के इस मोड़ पर अपने सपनों को पूरा करने का उनका जोश और हिम्मत वाकई सराहनीय है। साथ ही इससे सबको एक संदेश भी मिलता है कि खुद को उम्र की सीमा से आजाद कर अपने सपनों को पूरा करो। जीवन के अंदर हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए जो हो तो भी हम खुश, और यदि वो पूरी ना हो तो भी हम खुश रहें। क्योंकि हम जब सोचते हैं तो सोचों में भी हमें तो खुशी की प्राप्ति हो ही जाती है, और विशेष करके श्री कृष्ण को देखकर खुशी की प्राप्ति क्यों होती है, क्योंकि उसका चरित्र ही ऐसा है। जिसकी जड़, जिनके जड़ चित्र, जिनके जड़ फोटोग्राफ्स अगर वो हमें इतनी खुशी देते हैं तो प्रैक्टिकल में जब वो होंगे तब क्या होगा। तो इसीलिए कभी कभी सोचती हूँ श्री कृष्ण में ब्रह्मा दिखते, ब्रह्मा में मुझे श्री कृष्ण दिखते, और तब मेरे हृदय से गीत निकलता है, गूंजता है जैसे, और मुझे बड़ा बेचैन कर देता है। और वो गीत है, तस्वीर बनाती हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। मैं बात करूंगी तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूंगी तो ये कुछ न कहेगी। मैं भले उसकी तस्वीर ऐसी नहीं बना सकी कि वो तस्वीर से बाहर निकले और मुझसे बातें करे, पर फिर भी मैं उनकी बातों को सुनती हूँ। वो मुझे कुछ कुछ सुनाते रहते हैं और मैं भी सुनती रहती हूँ, और यही कारण है जब तक मैं उसकी तस्वीर बनाती रहूँगी, उनसे बातें करती रहूंगी, वो भी मुझसे बातें करते रहेंगे, और वह मेरे अंदर अपनी दिव्यता का संग देते हुए मुझे भी दिव्य बनाता रहेगा।
कुछ लोग सोचते हैं कि जितना सीखा जाए उतना कम है, जीवन भर कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, यह सब मनुष्य पर स्वयं निर्भर करता है। कुछ लोगों की जिज्ञासा बड़ी तेज होती है, जानने की जिज्ञासा उनमें सदा बनी रहती है। ऐसे लोग चाहे 70, 80 या उससे भी ज्यादा उम्र के हो जाएं, फिर भी यदि स्वस्थ हैं तो कुछ न कुछ जानने सीखने की कोशिश उनके भीतर रहती है। हमें हर समय कुछ नया कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करना चाहिए, उम्र चाहे कितनी भी क्यों न हो। लाइफ इज एन आर्ट ऑफ ड्रॉइंग विदाउट एन इरेजर। कीप लर्निंग।